नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन्स। गणेशमान चारनाथ नगर पालिका के वीरेंद्र बाजार में बस और मोटरसाइकिल ठोकराएल, घटनास्थल में दू गोटे की मृत्यु। माओवादी केंद्रक केंद्रीय सदस्य मंडल सहित पकड़ाव पड़ल विभिन्न राजनीतिक दल से अपन 8 गोटे ऊपर पुलिस द्वारा सार्वजनिक अपराध अंतर्गत मुद्दा दायर। मैथिली विकास कोष द्वारा मैथिली साहित्य तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में विशेष योगदान पहुँचाने 4 गोटे सृष्टा सब पुरस्कृत एवं सम्मानित। सन 1950 के शांति तथा मैत्री संधि नेपाल के विपक्ष में रहल कहित सीमाविद सब द्वारा खारिजी के मांग। आ इराक के राजधानी बगदाद में एखन धरि के भयानक विस्फोट, विस्फोट में पड़ 79 गोटे के मृत्यु, 130 गोटे घायल। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत धनुषा के गणेश मान चारनाथ नगर पालिका के वीरेंद्र बाजार में बस के ठक्कर से 2 गोटे के घटनास्थल में मृत्यु भेल। विराटनगर से जनकपुर दिस आबि रहल ना 4-17-69 नंबर के बस विपरीत दिशा से जा रहल लू 25-37 नंबर के अपाची मोटरसाइकिल के ठक्कर देला पर मोटरसाइकिल में सवार 2 गोटे के घटनास्थल में मृत्यु भेल। दुर्घटना में पड़कर क्षीरेश्वर नाथ नगर पालिका वार्ड नंबर 2 रमदैया भवारी निवासी अंदाजी 24 वर्षीय श्रवण यादव और 22 वर्षीय वीरेंद्र राउत के मृत्यु भेल। इलाका प्रहरी कार्यालय वीरेंद्र बाजार के हवलदार चक्र राणा के अनुसार मृतक के पोस्टमार्टम के लिए जनकपुर अंचल अस्पताल पठेबाक तैयारी कैल जा रहा है। ठक्कर देबा वाला बस के चालक फरार रहल आ चालक के खोज तलाश भ रहल। इलाका प्रहरी कार्यालय के हवलदार राणा जानकारी करौने छथि। एहि बीच काठमांडू उपत्यका के भक्तपुर नगरपालिका 17 सल्लाघारी निको सेरा नजदीक टाटा मोबाइल ठक्कर देला पर रवि दिन एक पैदल यात्री के मृत्यु भेल। काठमांडू दिस जा रहल 12-13-66-40 नंबर के टाटा मोबाइल के ठक्कर से सिंधुपालचोक के सुमन चौला गाय के मृत्यु भेल जनाओल गेल। धनुषा पुलिस माओवादी केंद्र के केंद्रीय सदस्य रामचंद्र मंडल सहित विभिन्न राजनीतिक दल संघ आबद्ध 8 गोटे ऊपर सार्वजनिक अपराध एन अंतर्गत मुद्दा दर्ता करौलक। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा शनि दिन अबेर रात जनकपुर उप महानगर पालिका 14 के रजौली स्थित जनता महाविक के भवन निर्माण संबंधी विषय के लक भेल विवाद साम्य कर पहुँचल। पुलिस टोली ऊपर आक्रमण का फूल हुज्जत केने कहित माओवादी केंद्रक केंद्रीय सदस्य रामचंद्र मंडल सहित राम खुशी यादव, उदय यादव, रामवरण पासवान, विष्णु चौधरी ऊपर सार्वजनिक अपराध के मुद्दा दर्ता कलक। घटना के विषय में अनुसंधान के लिए अदालत समय थप के पकड़ाव कैल गेल। सब संग जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा में अनुसंधान भ रहल। प्रहरी नायब उप निरीक्षक नकुल पोखरेल बतौलक। ऐसे आगू जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा अनायास माओवादी केंद्र संघे समाजवादी फोरम नेपाल नेपाली कांग्रेस के स्थानीय नेता सबके रिहा कर पड़बाक मांग करित जनकपुर के पिराड़ी चौक में जिला के नेता कार्यकर्ता सब चक्का जाम केने छल। ओ सब टायर बारि के गाड़ी घोड़ा सब बंद कर प्रदर्शन करित धनुषा प्रहरी प्रमुख एसपी के विरुद्ध में जोरदार नाराबाजी केने छल। तहिना संबंधित विद्यालय जनता उच्च मावी के विद्यार्थी सब सेहो हड़ताल में उतरि के विद्यार्थी सब सेहो अपन अपन घर गेल छल। बहुते विद्यार्थी सब चक्का जाम में सेहो सहभागी भेल छल। करीब 1 घंटा चक्का जाम के पश्चात पुलिस सड़क अवरोध हटौने छल। मैथिली विकास कोष मैथिली साहित्य तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में विशेष योगदान पहुँचौने 4 गोटे स्रष्टा सबके पुरस्कृत तथा सम्मानित कलक। मैथिली विकास कोष जनकपुर में आयोजना के साधारण सभा के उद्घाटन तथा पुरस्कार वितरण समारोह में नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान के कुलपति सरू भक्त 4 गोटे के सम्मानित कलक। कोष स्थापना के धीरेन्द्र साहित्य संस्कृति पुरस्कार 2071 से पत्रकार एवं साहित्यकार राम भरोस काफर सलहेश पुरस्कार 2071 से मिथिला नाट्य कला परिषद के 51,000 राशि सहित दोसल्ला ओढ़ा के सम्मान कैल गेल छल। तहिना धीरेन्द्र साहित्य संस्कृति प्रकाश 2072 से अयोध्यानाथ चौधरी आ सलहेश पुरस्कार 2072 से गुरुदेव कामत के सम्मानित कैल गेल छल। जिला विकास समिति धनुषा स्थापना के मैथिल विकास कोष मैथिली साहित्य संस्कृति तथा रंग क्षेत्र में विशेष योगदान पहुँचाने 2-2 गोटे के वार्षिक रूप में सम्मानित करते आयल। एम्हर नेपाली भाषा मात्रे के बुक राष्ट्र मित्र के प्रत्येक भाषाभाषी के संरक्षण संवर्धन एवं समुचित विकास होब नहीं सकत कहित मैथिली साहित्य कला तथा सांस्कृतिक क्षेत्र स्रष्टा सब पृथक रूप से अगड़ी बढ़ पड़बाक में जोर दिलक।
जनकपुर में मैथिली विकास कोष आयोजना के ने साधारण सभा तथा पुरस्कार वितरण समारोह के उद्घाटन सत्र में नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानक कुलपति सरुभक्त संविधाने नेपाल के बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में उल्लेख क चुकल कहित सब भाषा भाषी आ कला संस्कृति के ओतबे महत्व देव प्रभाक बतौलन। ओ संविधान बमोजिम सरकार सब क्षेत्र आ भाषा भाषी के राज्य के मूलधार में प्रवाहित कर प्रभाक सुझाव दलन। साहित्यकार एवं प्राज्ञ रमेश रंजन झा विभिन्न भाषा के साहित्य तथा कला के संवर्धन कर प्रज्ञा प्रतिष्ठान शुरुआत के रहितो प्रयास के निरंतरता देव प्रभाक बतौलन। सांसद एवं एमाले नेता शत्रुधन महतो पूर्व सांसद महेंद्र मिश्र राम सरोज यादव पुरस्कृत साहित्यकार राम भरोस कापेर अयोध्यानाथ चौधरी सुनील मल्लिक पत्रकार महासंघ धनुषाक अध्यक्ष अनिल मिश्र गुरुदेव कामत लगायत के व्यक्ति सब मैथिली कला साहित्य के उत्थान के लिए सामूहिक निरंतर प्रयास कर प्रभाग में जोर देने छला। पहले दशक पर ही शुरुआत मिल रहे एक कुछ उद्देश्य ख्याल होते उद्देश्य स्थापना के बारे में बहुत विघ्न बाधा सब रहे भाषा के निर्णय क्या ले रहे लेकिन राज्य पक्ष से उनके मान्यता नहीं देने की दूसर बात है लेकिन अखिल को लड़ाई जारी है अपना ढंग से सरकार कहियो अखन के संस्थापन पक्ष कहियो हमरा सबके भाषा संस्कृति के लिए जे लड़ाई ले रहल छी अवश्य रूप से बाधा दऽ रहल अछि हम सब लड़ाई करब भाषिक अधिकार के कुराहरू सांस्कृतिक अधिकार के जुन कुराहरू रहेका छन् कुराहरूलाई राष्ट्रिय स्तरमा बसेर हाम्रा अब नेतृत्वहरूले चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्नुपर्छ। माओवादी क्रांतिकारी नेता एवं सर्जक रोशन जनकपुरी विकास कोष के लक्ष्य वृहत आ विशिष्ट बनाव सुझाव देने छल। कोषक अध्यक्ष जीवनाथ चौधरी के अध्यक्षता में भेल साधारण सभा के बंद सत्र से फिर से जीवनाथ चौधरी के नेतृत्व में नया कार्य समिति चयन के लगे। समिति के सदस्य सचिव में पत्रकार श्याम सुंदर शशि चयन भेल छथि। नया संविधान में सेहो नेपाल के बहुभाषिक बहुधार्मिक एवं बहुसांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में व्यवस्था कयल गेल अछि मुदा कार्यान्वयन आ व्यवहारिकता में एकहिटा भाषा एकहि भेष आ एकहि संस्कृति के संरक्षण आ संवर्धनक लेल राज्य नीतिगत आ कानूनगत व्यवस्था रखने अछि जाहिसँ देश के प्रत्येक भाग आ तबकाक व्यक्ति राज्य प्रति अपनत्व के बोध कर नहि सकि रहल छथि। जनकपुरक सर्वसाधारण सबसे पूछने छलहुँ मैथिली भाषा साहित्य कला संस्कृति क्षेत्रक संरक्षण आ संवर्धनक लेल राज्य के कतेक तत्पर देखैत छी संरक्षण संवर्धन के लिए राज्य के की करबाक चाहिए अहाँक बात जहिनाक तहिना। यत्व जे कुछ छल अइ सब के संरक्षण समाज के स्ट्रक्चर के जे गॉड गिफ्ट अइ वही अनुकूल के रहे सुखी सम्पन्न रहे अइ चीज के जे कुछ जत्वो देखना गेल राजकीय व्यवस्था में ओहिके तऽ आइ काल्हि सब भ्रष्ट कऽ चुकल अछि। वर्तमान जे 73 जे संविधान जारी कयने छै ताहिमे मैथिली भाषाके भी मे निवेदन दऽ सकै छी कहिके एहन प्रोविजन छै तऽ छै तऽ ओकरा हमहूँसब कनि अपनामे एक्टिव होइ पड़लै ओहि अनुसारके भाषागत लिखित निवेदन ऑफिसमे गेली तऽ आब नेपालिएमे बात कयली मैथिलीमे कनि हाकिम सबसे बात करी अपन मैथिली साहित्यके आविष्कार करब जोर करब ताहि लऽ कऽ ई एहि पक्षमे तऽ ध्यान नहि छै आओर हमरा सबके फर्ज बनैए ई मिथिला राज्यमे हम प्रत्येक अड्डा अदालत कानून दायराके बीचमे मैथिलीके द्वारा सम्पूर्ण काम कराबैके क्षमता राखी ई तखने सम्भव भऽ सकैए जँ ई सरकार स्वच्छता पूर्ण रूपसँ हमरा सबके दऽ दे तऽ मैथिली आविष्कार होतै रहल छै एहि क्षेत्रके जेना बिसरि गेल होइ ओकरा तऽ प्रत्येक क्षेत्रमे सहयोग करऽके चाही जेना जे भाषाके अनुष्ठान केना हेतै कोर्समे केना राखल जेतै ओकर सरकारी मान्य आयोग सबमे मान्यता केना हेतै ओकर जे विद्वान छथि हुनका सबके संरक्षण केना हेतै एहि सबपर ध्यान देबाक चाही। राज्यके एहिमे करऽके चाही जे उदारताके रूपसँ ओकरा कोनो नहि भेदभाव लऽ कऽ एकटा मानि जेना सांस्कृतिक या मैथिलीके जे आगू बढ़ायब से राज्यके करबाक चाही से नहि करब सरकारके तऽ घसघचा पड़ै नेपाली भाषा घसघचा पड़तै नहि अथीके कहै छै आगे जे अथी खोरनाथके ठोसऽ पड़ै छै तब होइ छै ओना नहि ने होइ छै एकटा ओकरा समस्या नहि ने हइ सरकारके तऽ स्थानीय लोक ओहिमे सक्रिय होबऽ पड़ै छै तब ओ देखतै ओना नहि देखतै।
बहुत निम्न ध्यान दै छै, कहाँ दऽ रहल छै सरकार, किछु नहि देखै छियै मैथिली कार्यक्रममे, किछु नहि हम सरकारके देख रहल छियै, नहि कोनो बात छै, नहि एहि बात एहिपर ध्यान, एहि मिथिला जे हमरा सबके जे ई मिथिला राज्य काम हेतै कि नहि हेतै तहू पर संदेह हमरा सबके अछि। श्री संकट मोचन देवशरण रामरती उच्च माध्यमिक विद्यालय रवि दिन विद्यार्थी सबके छात्रवृत्ति प्रदान कैलक अछि। रवि दिन भोर में भेल एकटा विशेष कार्यक्रम में विद्यालय कक्षा 1 से 5 धरि के विद्यार्थी सबके 400 रुपया के दर से छात्रवृत्ति प्रदान कैलक अछि। कक्षा 1 से 5 धरि के 180 गोटे विद्यार्थी के 400 के दर से रुपया 72,000 बांटल गेल अछि। तहिना कक्षा छह के 104 आ कक्षा 7 के 125 गोटे विद्यार्थी के 41,650 के जमा 163,600 रकम बांटल गेल अछि। छात्रवृत्ति कार्यक्रम में 105 कक्षा संचालन के 37 गोटे, कक्षा 6 के 12 गोटे आ कक्षा 7 के 11 गोटे दलित विद्यार्थी सबके क्रमशः 14,800, 4,800 आ 4,000 रकम प्रदान कयल गेल अछि। विद्यालय सोम दिन सेहो छात्रवृत्ति कार्यक्रम रखने जनाओल गेल अछि। धनसा के छिरेश्वरनाथ नगर पालिका अंतर्गत स्थापना कयल गेल नागरिक सचेतना केंद्र सब प्रभावकारी बनित जा रहल अछि। विकास निर्माण, सामाजिक काम, सरकारी सेवा में पहुंच बनाब, गरीबी न्यूनीकरण के लेल नागरिक सचेतना केंद्र प्रभावकारी बन जा रहल अछि। स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहीन बनल अवस्था में समुदाय आ विकास साझेदार बीच नागरिक सचेतना केंद्र आ वडा नागरिक मंच पुल के काम कर रहल अछि। प्रत्येक हफ्ता के एक दिन बैसार बैस कर नागरिक सचेतना केंद्र के छलफल में अपन बात सब दोसर के स्पष्ट संग व्यक्त कर सकबाक आ सरकारी कार्यालय से प्रवाह होबय वाला सेवा सुविधा प्राप्त करबाक प्रक्रिया के विशेष में जानकारी पौने सिद्ध नागरिक सचेतना केंद्र हरिहरपुर 9 के सहभागी सब बतबे छथि। नगर पालिका अंतर्गत संचालित स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम LGCDP मार्फत नगर पालिका में पुरान गठन कयल गेल 4 आ नया 2 महीना पहले गठन भेल 4 कक 8 नागरिक सचेतना केंद्र आ प्रत्येक वार्ड में वाला नागरिक मंच गठन कयल गेल अछि। नगर पालिका के 8 नागरिक सचेतना केंद्र के LGCDP कार्यक्रम पुरान गठित 4 नगर सचेतना केंद्र के व्यवस्थापन खर्च 10,000 आ नया गठित 4 सचेतना केंद्र के 30,000 व्यवस्थापन खर्च नगर पालिका मार्फत विनियोजन होयबाक जानकारी शहरी शासन विज्ञ मनोज बानिया बतौलने अछि। रौनियार सेवा समिति जनकपुर आ रौनियार युवा मंच जनकपुर SLC में उत्कृष्ट केने समुदाय के विद्यार्थी सबके सम्मान कयलक अछि। रौनियार अतिथि सदन जनकपुर में एकटा विशेष समारोह के बीच छात्र छात्रा के कुल 18 गोटे विद्यार्थी सबके सम्मान कयल गेल अछि। समितिक अध्यक्ष लालबाबू गुप्ता के अध्यक्षता, नेपाल रौनियार महासंघ के अध्यक्ष शिवनाथ प्रसाद शाह के प्रमुख आतिथ्य में भेल कार्यक्रम में समुदाय के छात्रा अंजलि कुमारी गुप्ता SLC में 96.25% अंक लाबि कऽ छात्रा दिस धनुषा जिले में उत्कृष्ट अथवा टॉप के ने दावी सहित हुनका सेहो सम्मानित कयल गेल अछि। ओ जनक सेकेंडरी इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल जानकी चौक के विद्यार्थी अछि। साथे हुनका अलावा 5 छात्र आ 12 छात्रा के समुदाय के कुल 18 गोटे छात्र छात्रा के प्रशंसा पत्र सहित सम्मान कयल गेल अछि। महासंघ के अध्यक्ष शिवनाथ प्रसाद शाह, समितिक अध्यक्ष लालबाबू गुप्ता, तहिना समाजसेवी एवं समितिक संरक्षक सदस्य इंजीनियर चंदेश्वर प्रसाद रौनियार, युवा मंच के अध्यक्ष सत्यनारायण शाह सहितक व्यक्तित्व लोकनि विद्यार्थी छात्र छात्रा सबके सम्मान केने छल। सीमाविद सब सन 1950 के शांति तथा मैत्री संधि नेपाल के विपक्ष में रहल कहित ओहि के खारिजी के लेल आवाज उठाब सरकार के सुझाव देलक अछि। नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह EPG के सोम दिन काठमांडू में शुरू होबय लागल पहिल बैसार के पूर्व संध्या में सीमाविद सब पत्रकार सम्मेलन कर शांति तथा मैत्री संधि के बहुते दफा नेपाल के अहित में रहल आ कतेको दफा भारत एखन धरि पालना नहीं केने कहित शांति संधि खारिज करा प्रभाक आवाज जोरदार रूप में उठाब सुझाव दिलक अछि। सीमाविद बुद्धि नारायण श्रेष्ठ शांति तथा मैत्री संधि अंतर्राष्ट्रीय कानून के मान्यता विपरीत रहला से प्रबुद्ध समूह के बैसार में नेपाल संधि खारिज के प्रस्ताव करा प्रभाक बतौलन। नया दायित्व अहिले भएको 1950 को संधि तुरंत अविलंब खारिज गर्नुपर्छ किनभने असमान संधि र यसका धारा दफाहरू
कुनै दफा भारतले लागू नै गरेको छैन अरु कुनै दफा नेपालले व्यवस्था गरेको छ अब यो 1950 को सन्धिको विभिन्न धाराहरु पाल परेर छिया परेर जीर्ण भइसक्यो यो कुरो पनि भोलि देखि सुरु हुने इमिनेन्ट पर्सन ग्रुपमा चाहिँ उठ्नु पर्छ र श्रेष्ठ शान्ति तथा मैत्री सन्धि के कतेको दफा कार्यान्वयन के लेल आवाज नै उठौला सँग नेपाल कालापानी लिमिपिया धुरा लगायत के अपन जमीन उपयोग कर नै पौने कहित बैसारमे सन् 1916 के सुगौली सन्धि सेहो खारिजी के प्रस्ताव कर प्रभाग सुझाव देलन ओ सुगौली सन्धि खारिज भेल त कालापानी लिमिपिया धुरा लगायत के भूमि नेपाले के होबाक बतौलन ओ उ भूमि सब नेपाल के नै देबक लेल भारत सीमांकन के 3% काम अगाडि बढाव नै मान्य कहित ए विषय में सेहो विचार में आवाज उठावा पर बात बतौलन आजको नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि 31 जुलाई 1950 को त्यो सन्धि को धारा 8 ले के भनेको छ वाले भनि सक्नु भयो त्यो समय भन्दा अगाडि गरेका संपूर्ण सन्धि समझौता समझदारी पत्र सम्मेलन पत्र आजका मितिले खारेज हुन्छ भने पछि त 1950 भन्दा अगाडि गरेको सन्धि त सन् 1864 मार्चमा गरेको सन्धि स्वतः निष्क्रिय स्वतः खारेज तर हामी चुप्प लागेर सन्धिको धाराले दिएको छ पनि कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ हामी अग्रसर हुन सकेनौँ हाम्रो सरकार अग्रसर हुन सकेन अझै पनि बिग्रेको छैन यो धारा 8 जिउँदैछ आजका मितिसम्म कुरा छिनियो भने हाम्रो कालापानी लिपुलेक अलिम्पिया धुरा इत्यादिको समस्या समाधान हुन्छ हामीले भोग्न नपाएको यो कालापानी लिपुलेकको भाग हाम्रै हुन्छ किनभने सीमांकन भनेको जहिले पनि प्राविधिक कुरा हो नक्सामा आधारित हुन्छ देश के सम्बन्ध के सुदृढ गरेको उद्देश्यसँग गठित प्रबुद्ध समूह ईपीजी नेपाल के दिश डाक्टर भेषबहादुर थापा नीलाम्बर आचार्य सूर्यनाथ उपाध्याय आ डाक्टर राजन भट्टराई के सदस्य रखने अछि सीमा विद सब सन् 1920 में भेल शारदा ब्यारेज समझौता के पुनरावलोकन के मांग कर सेहो प्रबुद्ध समूह के सदस्य सब के सुझाव देलक अछि नेपाल के बदला में पाबवला कहल गेल जमीन एखन धरि निष्कर्ष नै लगला सँ शारदा ब्यारेज समझौता के पुनरावलोकन के प्रस्ताव कर प्रभाग सीमाविद सब के कहबै छ व्यवस्थापिका संसद में 9 मंत्रालय आ 4 कार्यालय के बजेट ऊपर एकै बेर छलफल शुरू भेल अछि व्यवस्थापिका संसद में रवि दिन विभिन्न 9 मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय राष्ट्रीय योजना आयोग राष्ट्रपति के कार्यालय आ उपराष्ट्रपति के कार्यालय के लिए आगामी आर्थिक वर्ष के लिए छुट्टियाल गेल बजेट पर एकीकृत रूप में छलफल शुरू भेल अछि संसद में रवि दिन स्थानीय विकास परराष्ट्र शहरी विकास ऊर्जा आपूर्ति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात महिला बाल बालिका तथा समाज कल्याण सहकारी तथा गरीबी निवारण आ रक्षा मंत्रालय के बजेट पर छलफल भेल अछि छलफल में उ सब मंत्रालय के मंत्री सहभागी नै छल बजेट जल्दी पारित करे के योजना भेला के कारण एकै दिन 13 मंत्रालय आ कार्यालय के बजेट पर छलफल शुरू कराओल गेल संसद सचिवालय जनौलक अछि सांसद सब ललितपुर के गोदावरी में प्लॉटिंग के देवाल ढहला सब विद्यार्थी के मृत्यु भेल में प्लॉटिंग संचालक आ विद्यालय प्रशासन दुनू दोषी रहल कहित दोषी पर तत्काल कार्यवाही के प्रक्रिया अगाड़ी बढ़ावा मांग कलक अछि पूर्व सांसद मंगल सिद्धि मानंदर निधन में शोक प्रस्ताव पारित कक दोसर बेर बैसल व्यवस्थापिका संसद के रवि दिन के बैसार में संसद सब प्रखा देवाल ढाला सा विद्यार्थी के मृत्यु भेल विषय के गंभीरता पूर्वक लक दोषी ऊपर कार्यवाही करे के मांग कलक अछि बैसार के शून्य आ विशेष समय लक बजने सांसद सब टखेल स्थित पुष्पांजलि स्कूल पाछू के देवाल वर्षा के कारण नै भ निर्माण में कैल गेल लापरवाही के कारण ढहल बतौलक अछि ओ सब प्लॉटिंग संचालक आ विद्यालय प्रशासन दुनू विद्यार्थी के भौतिक सुरक्षा सँ पूरे व्यवस्था कयने देखल गेल कहित घटना के छानबीन के लिए शिक्षा आ गृह मंत्रालय के अधिकृत के संलग्नता में समिति गठन करे सेहो मांग कलक अछि ओ सब टखेल घटना सँ प्लॉटिंग संचालक सब के नियमन के दायरा में लावा प्रभाग पाठ सेहो सिखा देने बतौलन लगायत शिक्षा मंत्रालय को प्रतिनिधि राखेर एउटा छानबीन समिति गठन गर्न पर्छ दोस्रो दोषीलाई कानून बमोजिम कारवाही होस् भन्ने हाम्रो माग छ तेस्रो स्कूल अथोरिटी यो प्लॉटिंग गर्ने जग्गाका व्यापारीहरू र नगरपालिकाका कर्मचारीहरूलाई पनि सोधपुछ गर्नुपर्ने देखेको छ
आवश्यक मापदण्ड विपरीत पर्खाल भर लगाएर मनपरी ढङ्गले हाउसिङहरू खडा गर्ने र सँगै रहेका बालबालिकाहरूको जीवनमाथि खेलवाड गर्ने ती हाउसिङ कम्पनीका व्यक्तिहरू कुन हुन्, तिनीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस् भन्ने म हाम्रो दलको तर्फबाट मेरो तर्फबाट पनि माग राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, खोल्सामा विद्यालय भवन बनाएको स्कुलले प्लटिङवालासँग खोल्सोको गल्छीमा माटोभरि स्कुलको खेल मैदान बनाउने अघोषित सम्झौता गरेको अनि भिर नजिकै भवन बनाउँदा समेत वरिपरि पर्याप्त ठाउँ नराखिएको अनुगमनको क्रममा भेटिएको छ। यसले के देखाउँछ भने टखेल घटना कुनै प्राकृतिक प्रकोप होइन, त्यो मानवीय लापरवाहका कारण सिर्जित घटना हो। त्यसकारण सामान्य सभामुख महोदय, विद्यालय सञ्चालक, प्लटिङवाला लगायत त्यस लापरवाहीमा संलग्न सबैलाई कारवाही गरी घाइते बालबालिकाको त्यो पर्खाल प्लटिङ गर्ने व्यापारीको चाहिँ कमजोरीको कारणले, व्यापारीको लापरवाहीको कारणले त्यो पर्खाल भत्किएको छ। एमहर सांसद नकराज जोशी सांसद सब उठाउने आवाजके सरकार पूरै उपेक्षा केने आरोप लगौलन्। ओ जन इच्छाके विषयमे सांसद सब बहुत बजने आ शून्य विशेष समयमे महत्वके साथ आवाज उठाउने रहितो सरकारी व्यवस्थाके कारण ओ आवाजके सुनवाई होबन नै सकल आ संसदे निष्प्रभावी बन पहुँचल आरोप लगौलन अछि। हल भयो, अत्यन्त लाउजी भयो सांसदका काम कारवाहीहरू, संसदका गतिविधिहरू। यहाँ माननीय सांसदज्यूहरू बोल्दै जाने, सरकार त्यसको व्यवस्था गर्दै जाने, ती कुराहरूलाई सुन्दै नसुन्ने, देखा अनदेखा गर्ने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउँदै जान थाल्यो। माननीय सांसदज्यूहरूले अब बोल्ने कि नबोल्ने भन्ने विषयमा पनि अब प्रश्न चिन्ह उठ्न थालेको छ। दोहोरो संवादै कायम हुन सकेन व्यवस्थापिका र कार्यपालिका विषयमा। सरकार के उत्तरदायी आ जवाफदेही बनाबक लेल नियमावलीमा व्यवस्था भेल बमोजिम तत्काले प्रश्नोत्तर के कार्यक्रम राख सभामुख ओनसरी घरती के ध्यान आकर्षण गराउने छलै। विचारमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी के सांसद अनुराधा थापा मगर निजी मेडिकल कलेज सब डाक्टर सब बेसी जनमारा उत्पादन करके एकटा स्थल में परिणत होइत गेल कहित एहि विषयमा सरकार के जवाफ मांगने छल। तर यस्ता निजी मेडिकल कलेजमा बाँच्ने सम्भावना कम भएको गुनासो छ। यस्तो गलत काम गर्ने निजी मेडिकल कलेज र प्राध्यापकहरूले शासक दलका केही नेताहरूलाई करोडौँ रुपियाँ बुझाएको र चुनावमा गाडी र चन्दा दिएको हुँदा कतैबाट कारवाही नभएको गुनासो पनि छ। सभामुख महोदय, यसबारे सत्य के हो? एउटा सर्वदलीय छानबिन समिति गठन गर्नको लागि आग्रह गर्दछु। निजी मेडिकल कलेजबाट उत्पादितहरू डाक्टर होइन हत्यारा हो भन्ने गुनासोलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ। बैसारमे सांसद सब देशके विभिन्न भागमे बाढ़, भूस्खलन आ डुबानके कारण भेल क्षति दिस सरकारके ध्यान आकर्षण करबैत पीड़ित सबके तत्काल राहत उपलब्ध कराबके माग कयने छल। कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला माओवादी सरकारसँग बहरायत, तकर बाद मात्रे पुष्पकमल दाहालसँग नयाँ सरकारके विषयमे छलफल करा सकबाक बताउने छथि। माओवादीके खन सरकारसँग बहरायत कहिकऽ हमसब प्रतीक्षा कऽ रहल छी। प्रेस यूनियन कास्की रवि दिन पोखरामे केने पत्रकार सम्मेलनमे ओ कहलनि अनौपचारिक बातचीत भऽ रहल रहितो सरकार छोड़लाके बाद मात्रे दहालसँग नयाँ सरकार बनाबऽ निर्णायक छलफल कऽ कऽ अगाडि बढ़ल जेबाक बतौलनि। सरकारसँ नहि हट धरि माओवादीके विश्वास नहि अछि। ओ कहलनि पहिने सरकार छोड़ऽ पड़त आ तकर बाद मात्रे सहमति सरकारके निर्माणमे हमसब छलफलमे अगाडि बढ़ब। कानून नहि बनल अवस्थामे चुनावके कार्यविधि बनऽ सम्भव नहि होयत भेलासँ अगहनमे स्थानीय निकायके चुनाव करऽ सम्भव नहि भेल, ओ दावे कयलनि। राप्रपा नेपालसँ अलग भऽ राप्रपा नेपाल समानान्तर गठन केने नेतासब एक दोसरमे मिल नहि सकलाके बाद एकीकृत राप्रपा निर्माण अभियानमे लागल अछि। राप्रपा नेपाल समानान्तरमे विवाद भेलाके बाद ओहिमे लागल श्याम तिमिल सिन्हा लगायतके नेतासब राप्रपा नेपाल निष्कासन केने केशव बहादुर बिष्ट शुरू केने अभियानमे लागल छथि। समय समयमे पूर्व पञ्च सबके इकट्ठा करैत आयल बिष्ट रवि दिन काठमाडौँमे पत्रकार सम्मेलन कऽ कऽ राप्रपा नेपाल समानान्तरके नेतासब अभियानमे आयल सँगे अभियानमे नयाँ आयाम थपल गेल बताउलनि अछि। र हामी राप्रपा नेपालका साथीहरू यो अभियानमा जो लागेका छौँ सबै अब समान अभियन्ता भयौँ। यहाँहरू सबैलाई म राप्रपा नेपाल समानान्तरका साथीहरूलाई स्वागत, यो अभियानको अभियन्ता बन्नको निमित्त स्वागत गर्दै पार्टी समानुपातिक सभासद नै चुन्ने विरोधमे अढाई वर्ष पहिने श्याम तिमिल सिन्हा लगायतके नेता सब राप्रपा नेपाल समानान्तर गठन केने छल।
मुदा उस समूहमे अध्यक्ष गणेश शेरसनसँग मत विवाद भेलाके बाद तिमिल सिन्हा किछु कार्यकर्ता सहित रवि दिनसँ बिष्टके अभियानमे लागि गेल अछि। परराष्ट्र मंत्रालय फास्ट ट्रैक सँ पासपोर्ट वितरण के काज शुरू कयलक अछि। परराष्ट्र मंत्रालय अंतर्गत के राहदानी विभाग रवि दिन फास्ट ट्रैक सँ पासपोर्ट देबय के काज शुरू कयने अछि। फास्ट ट्रैक अंतर्गत के पहिल पासपोर्ट दांग के चंद्रकली बड़ा थोकी के प्रदान कयल गेल अछि। उप प्रधानमंत्री तथा परराष्ट्र मंत्री कमल थापा रवि दिन राहदानी विभाग में पहुँच कर चंद्रकली के पासपोर्ट प्रदान कयने छले। मंत्रिपरिषद गत जेठ 30 गते फास्ट ट्रैक के पासपोर्ट वितरण करबाक निर्णय कयने छल। फास्ट ट्रैक अंतर्गत आवेदन बुझौने 24 घंटा भीतर पासपोर्ट लेब 15,000, दू दिन भीतर लेब 12,000 आ 3 दिन भीतर लेब 10,000 तिर पड़त सरकार के निर्णय अछि। राहदानी विभाग फास्ट ट्रैक से पासपोर्ट लेब के लेल ऑनलाइन से आवेदन फार्म भर मिल सकबाक व्यवस्था सेहो मिलौने अछि। एहिसँ आगू एक आवेदन भरने एक सप्ताह आगू पासपोर्ट देब के व्यवस्था नहि छल। जनसंख्या तथा वातावरण मंत्रालय प्लास्टिक के झोला में प्रतिबंध लगेबाक निर्णय के कार्यान्वयन में विकास से मंत्रालय सब असहयोग कयने आरोप लगौलक अछि। मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक झोला मुक्त दिवस के अवसर पारि कऽ रवि दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कऽ विकास से मंत्रालय सब प्लास्टिक के झोला में प्रतिबंध लगेबाक निर्णय के हल्का रूप में लकर कार्यान्वयन में असहयोग कयने आरोप लगौलक अछि। मंत्रालय के सचिव डॉक्टर विश्वनाथ ओली विकास से मंत्रालय सबके असहयोग के कारण प्लास्टिक के झोला में प्रतिबंध लगेबाक निर्णय प्रभावकारी रूप में कार्यान्वयन होब नहीं सकल आरोप लगौलनि। सरकार 2072 साल के बैसाख 1 गते से काठमांडू उपत्यका में 40 माइक्रोकोन धैर्य के प्लास्टिक के झोला के उत्पादन बिक्री वितरण आ प्रयोग में प्रतिबंध लगौने छल। मुदा प्रतिबंध लगौने 15 महीना बीत चुकल रहितो बाजार में खुलेआम प्रतिबंधित झोला सबके बिक्री वितरण होइत आयल अछि। जनसंख्या तथा वातावरण मंत्रालय के सचिव डॉक्टर ओली मंत्रालय अंतर्गत निचका तह में कोनो सेहो कार्यालय नहीं रहल आ केन्द्र में सेहो पर्याप्त जनशक्ति नहीं भेल मुदा संयंत्र भेल विकास मंत्रालय सब प्लास्टिक के झोला के प्रतिबंध लगेबाक निर्णय के अपन कार्यक्रम नहीं अछि कहि कऽ व्यवस्था कयला से बाजार में बिक्री वितरण नहीं रोकल गेल बतौलनि। अब हामीले जनसङ्ख्या वातावरण मन्त्रालयमा रहँदाखेरि अलिकति वातावरण संरक्षणको व्यवस्थापनको लबीलाई अलिअलि एग्रेसिभ हिसाबले उठाउँछौँ। सँगसँगै अब विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले यसलाई अलिक ओझेलमा पार्ने यो कसैको पनि विषय होइन भने जस्तो हिसाबले लाँदाखेरि यो त्यति तदारकताको हिसाबले अनुगमन प्रभावकारी नभएको चाहिँ एउटा विषय हो र सँगसँगै यो क्यापेसिटी र रिसोर्सेसमा पनि जोडिन्छ। अब मन्त्रालयको पनि अब संस्थागत संरचना हेर्नुभयो भने तल्लो तहसम्म यसका कार्यालयहरू छैनन्। अब हामीले वातावरण निरीक्षकहरू 16 हुन्छ वातावरण विभागमा, त्यही क्यापासिटी र लिमिटेड रिसोर्सहरूले हामीले काम गर्नुपर्ने छ। मन्त्रालय निर्णय कार्यान्वयन गर अटेरी केने कहित किछु कम्पनी सबसँग 3,20,000 रुपियाँ जरिवाना असुल केने अछि त 1,823 किलो प्लास्टिकके झोला जफत कऽ कऽ नष्ट केने अछि। मन्त्रालय राधाकृष्ण उद्योगसँग मात्रै 702 किलो झोला जफत केने छल। सरकार प्लास्टिकके झोलामे प्रतिबन्ध लगेबाक निर्णय कार्यान्वयनके लेल ओहन झोलाके उत्पादनमे संलग्न उद्योगी सबके वैकल्पिक उत्पादनमे लागके लेल प्रेरित कर मेसनरी उपकरण जम्मा 1% भन्सार महसुल तिर्क लाभ पैबाक व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षके बजेटमे कऽ देने अछि। आब बिजनेस न्यूज। मनसून सक्रिय भेल संगे तरकारी के भाव बढ़ गेल अछि। वर्षा के कारण देश के विभिन्न स्थान में गेल भूस्खलन से आपूर्ति घटला पर तरकारी के भाव बढ़ गेल अछि। बहुते उत्पादन होबय वाला सीजन भेल रहितो बाट अवरुद्ध भेला से आपूर्ति घटल आ तरकारी के भाव बढ़ गेल। कालीमाटी तरकारी बाजार के व्यापारी सबके कहब अछि। यद्यपि अगिलका दिन सबके तुलना में रवि दिन तरकारी के मोल सस्ता भेल व्यापारी सबके दावी अछि। ओ सब प्याज प्रति किलो 30 रुपया, करैला 60 रुपया में बिक्री कर रहल कहित ई मूल्य के महंगाई कहर नहीं मिलत दावी कलक। यो सिजनमा 100 रुपियाँ किलो क्याप्सिकम अगाइसकेको होइन होइन यो सिजनमा यो सबैभन्दा राम्रो ओरिजिनल 1 नम्बरको करेला भने तपाईँको हामी 60 रुपियाँ किलो बेच्छौँ, 52-53 तिर्छौँ, 60 रुपियाँले बेच्छौँ। सबैभन्दा राम्रो महँगो भनेको यो कसरी महँगो भन्ने यसलाई होइन। अनि अब प्याज 30 रुपियाँ किलो छ, यो के महँगो भन्ने। अहिले विशेष गरेर तपाईँको काउली भयो, बन्दा भयो, भेडे खोर्सानी भयो, खोर्सानी भयो, यो चाहिँ महँगो भएको थियो होइन। हिजो चाहिँ
अनि आजको तुलनामा चाहिँ तपाईँको भाउ धेरै घट्यो. हिजो 100 भएको ठाउँमा आज 50-40 फेरि आइसक्यो, किनभने माल जताततबाट आयो होइन, अनि ओइरिसकेपछि अब कच्चा पदार्थ राखेको त हुन्न हेर्नुहोस् होइन, त्यो हुनाले गर्दा फेरि घटिसक्यो. काठमाडौँ बजारमै टमाटरको भाव प्रति किलो 80 रुपियाँसँग निचा नै झरल, एक महिना भऽ चुकल छ बताओल गेल छ. उपभोक्ता सब कर्मचारीके तलब बढाओल गेला सब, व्यापारी सब बरसात आ भूस्खलनके कारण देखाकऽ अपन भाव बढ़ेने कहित बाजार अनुगमन कऽ कऽ महँगी नियंत्रण कर सरकार संग आग्रह कलक. नेपाल आयल निगम शुक्र दिन रातिसँ लागू होबय जका हवाई ईंधन ETF के भाव घटेला के बाद आंतरिक उड़ान के भाड़ा सेहो आब घट गेल अछि. निगम आंतरिक दिस के हवाई ईंधन के मोल प्रति लीटर 10 रुपैयासँ घटौला के बाद आंतरिक वायु सेवा संचालक सब आंतरिक उड़ान के भाड़ा घटा देने अछि. सिमरिक एयरलाइंस के मार्केटिंग तथा सेल्स डिपार्टमेंट प्रमुख प्रज्वल थापा के अनुसार आंतरिक उड़ान में न्यूनतम 150 लगकर 375 रुपया देर भाड़ा घट गया. उनके अनुसार ई भाड़ा दर सोम दिन से लागू होबे वाला भाड़ा दर में काठमांडू से 3745 रुपया पुरान भाड़ा दर रहल जनकपुर के भाड़ा आब 3595 रुपया तय कैल गया. तहिना धनगढ़ी के पुरान भाड़ा 10,990 छल त आब नया भाड़ा दर 10,605 में झेर गेल अछि. पोखरा के पुरान भाड़ा 4,395 छल, नया भाड़ा 4,230 रुपया भेल अछि. नेपालगंज के पुरान भाड़ा 8,250 रुपया छल, नया भाड़ा 7,955 भेल अछि. भरतपुर के पुरान भाड़ा 3,225 छल, नया भाड़ा 3,090 में खसि गेल अछि. भैरवा के नया भाड़ा 5,300 सँ नीचा भक पुरान भाड़ा 5,505 रहल छल. तहिना माउंटेन फ्लाइट के भाड़ा 9,385 रहल छल, आब 9,010 रुपया लागत बताओल गेल छ. आब इंटरनेशनल न्यूज. इराक के राजधानी बगदाद में ई वर्ष के सबसे भयानक विस्फोट कराओल गेल छ. विस्फोटन में पेड़ 79 गोटे के निधन भेल छ त 130 गोटे से बेसी घायल भेल छथि. मारल गेल में अधिकांश बाल बच्चा सब रहल, अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम सब जनौलक अछि. समाचार एजेंसी AFP के अनुसार विस्फोट के जिम्मा ISIS लड़ाकू समूह लेने अछि. एक ऑनलाइन वक्तव्य जारी करैत इस्लामिक स्टेट व्यस्त बाजार के बीच में कराओल गेल विस्फोट के जिम्मा ओ अपने लेलक अछि. यद्यपि ओकर स्वतंत्र पुष्टि होबय नहि सकल, अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम सब के खबर अछि. वर्षा के सबसे नमहर आक्रमण के रूप में एहि वर्ष के सबसे नमहर आक्रमण के रूप में रवि दिन भोर बगदाद के व्यस्त बाजार में कैल गेल कार बम हमला में 79 गोटे के मृत्यु भेल अछि त 130 गोटे से बेसी घायल भेल अछि. ई वर्ष राजधानी शहर में भेल ई सबसे नमहर आक्रमण मानल जा रहल अछि. अधिकारी सब के अनुसार करदा इलाका में भेल विस्फोटन में पड़ि कऽ बहुते व्यक्ति सब रमदान पर्व के लेल किरमेल कर जमा भेल छल आ ओते कराओल गेल छल. एहि बीच शनि दिन बांग्लादेश के ढाका में 20 गोटे के मृत्यु होबय जका कराओल गेल आक्रमण के जिम्मा सेहो ISIS लेने छल, मुदा घटना के विषय में फरक फरक तथ्य सब बाहर आबि रहल अछि. अमेरिका के संघीय जांच आयोग FBI राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हिलारी क्लिंटन संग शोधपूछ कलक अछि. FBI डेमोक्रेटिक पार्टी के दिस राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार क्लिंटन संग ओ विदेश मंत्री रहित काल के बेर में ईमेल के विषय में शोधपूछ कलक अछि. क्लिंटन ऊपर सरकारी प्रयोजन के आधिकारिक ईमेल व्यक्तिगत ईमेल मार्फत पठा रहल आरोप लगौलक अछि. क्लिंटन के प्रवक्ता FBI संगे के बातचीत के लेल क्लिंटन अपने गेल बतौलक अछि. क्लिंटन आधिकारिक जानकारी व्यक्तिगत ईमेल मार्फत व्यवस्थित कर केने आरोप अस्वीकार करैत आयल छलीह, मुदा अमेरिकी विदेश मंत्रालय क्लिंटन सहित ओहिसँ अधिक के बहुतो विदेश मंत्री सब गोपनीय जानकारी सुरक्षा में खासे ध्यान नै देने आरोप लगौलक अछि. अमेरिकी न्याय मंत्रालय एहन काज अपराध अछि कि नै एहि विषय में विचार कऽ रहल जनौलक अछि. अनुसंधान के नतीजा जे आओत तैयो एहिसँ क्लिंटन के राष्ट्रपति चुनाव पद में असर करत विश्लेषक बतबै छथि. क्लिंटन ऊपर लागल आरोप विपक्षी रिपब्लिकन के लेल चुनाव प्रचार में हथियार के काम करत सेहो विश्लेषण भऽ रहल अछि. बांग्लादेश ढाका में विद्रोही संगठन इस्लामिक स्टेट IS के आक्रमण में पड़ि कऽ मृत्यु भेल सबके याद में
दुदिवसीय राष्ट्रीय शोक के घोषणा कल आई एस शुक्र दिन रात में राजधानी ढाका के एक कैफे में आक्रमण कर 20 गोटे के जान लेने आक्रमणकारी सब कैफे में आक्रमण कर ओत रहल आदमी सब के बंधक बना कर हत्या कने जान जाए वाला समय अधिकांश विदेशी नागरिक सब छल तहिना दू गोटे प्रहरी अधिकारी के सेहो मृत्यु भेल सरकारी अधिकारी सब के कहब घटना में 30 गोटे घायल भेल छल बांग्लादेश के सैनिक बंधक बनाओल गेल 13 गोटे के 12 घंटा पश्चात सकुशल उद्धार कने घटना में जान जाए वाला में 9 गोटे इटली के 7 गोटे जापान के 3 गोटे बांग्लादेश तथा 1 गोटे भारतीय नागरिक रहल बताओल गेल छे। अब स्पोर्ट्स न्यूज यूरो कप फुटबॉल के अंतिम क्वार्टर फाइनल में आयोजक फ्रांस आइसलैंड संग खेलत रवि दिन रात 12:45 शुरू होने वाला खेल के विजेता सेमीफाइनल में जर्मनी संगे स्पर्धा करत सन 1984 आ 2000 में यूरो कप जीतने फ्रांस एखन धरि आइसलैंड संग हार नहीं पड़ल दूटा देश बीच एखन धरि 11 टा खेल भेल जामे फ्रांस 8 खेल जीतने आ 3 खेल बराबरी भेल जारी यूरो कप में फ्रांस आ आइसलैंड दुनू समान 6 गोल कने मुदा फ्रांस एखन धरि खैने 2 गोल ओ पेनाल्टी में मात्र खेने आई अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से घनिष्मान सारनाथ नगर पालिका के वीरेंद्र बाजार में बस आ मोटरसाइकिल ठोकरायल 2 गोटे के घटनास्थल में मृत्यु माओवादी केंद्रक केंद्रीय सदस्य मंडल सहित पकड़ाव पड़ल विभिन्न राजनीतिक दल से आबद्ध 8 गोटे ऊपर पुलिस द्वारा सार्वजनिक अपराध एन अंतर्गत मुद्दा दर्ता मैथिली विकास कोष द्वारा मैथिली साहित्य तथा संस्कृति क्षेत्र में विशेष योगदान पहुँचाने 4 गोटे स्रष्टा सब पुरस्कृत तथा सम्मानित सन 1950 के शांति तथा मैथिली संधि नेपाल के विपक्ष में रहकर सीमावीर सब द्वारा खारिज की मांग आ इराक के राजधानी बगदाद में भयानक विस्फोटों में फिर 79 गोटे के मृत्यु 130 घायल अपन न्यूज एखन के लिए लेते पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रह नमस्कार।